नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे ठहर जाना कमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी कुकिंग विद हिना। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपस की बात है, हमारी या आपकी ज़िंदगी फिल्मों की या ड्रामों की तरह नहीं होती कि जिस तरह सुबह बहुत हैपनिंग होती है, सुबह उठूंगी, शावर लूंगी, कोई अच्छा सा महंगा सा ड्रेस निकाल कर पहनूंगी, अच्छा सा परफ्यूम लगाऊंगी। यकीन करें, जब मैं सोकर उठती हूँ तो बस दिमाग में यही बात घूमते रहती है, आज क्या करना है, किस तरह करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि बच्चे 5 बजे आते हैं तो फिर बस यही दिमाग में रहता है। हस्बैंड आएंगे, उनको हर चीज़ प्रॉपर मिले, और सारे लोगों को अच्छे से मेंटेन करना है, रिश्तेदार ख़ानदान। इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। ये औरत ही होती है जो एक ही टाइम में अपने घर को मैनेज करती है, बच्चे संभालती है, बाहर के कामों को भी अच्छे से मैनेज करती है, ख़ानदान देखती है, घर देखती है, मैका देखती है, ससुराल देखती है, अपने इर्द गिर्द देखे। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं एक वक्त में एक ही काम करके इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं, चाहे जॉब हो या बिजनेस। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया को अक्सर वही लोग बदल देते हैं जिसे दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। जब आपको मायूसियाँ महसूस होने लगे तो अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ याद कर लिया करें, खुद ब खुद पुरसकून हो जाओगे। अल्लाह ताला हमको पुरसकून ज़िंदगी नसीब करे, आमीन या रब। अगर हमारे पास दुख और तकलीफ़ में अल्लाह को अपना दुख सुनाने का ऑप्शन नहीं होता तो यकीन करें ये सीने में जो दर्द है ना, फट जाते। गम में तो अल्लाह याद आता है, कभी खुशी में भी याद कर लिया करें, क्योंकि खुशहाली में याद करने वाले को अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद फरमाता है। आसमान वाले से अगर रابطे मजबूत होंगे तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। औलाद और रिज़्क के बारे में कभी मायूस ना हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का इन्हेसार आपके नसीब पर है, और नसीब लिखने वाला बहुत मेहरबान है। जो अल्लाह हमारे लिए चाहता है, क्या तुम इससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो, ज़रूर बताइएगा। ये सुना है कि वो सुनता है सदा से पहले, मांगने वालों को देता है दुआ से पहले। नास क्यों ना हो गुनहगारों को तुझ पे मौला, तूने बख्शीश को उतारा है खता से पहले। मौज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम है दुआ और सब्र यकीन। दिल में अल्लाह का होना ज़रूरी है, सिर्फ सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। या रब्बल इज़्ज़त, हमेशा अपने शुक्रगुजार बंदों में रखना, ज़िंदगी के किसी पल में भी हमें तन्हा ना छोड़ना, और हर पल हमारी मदद करना, और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। हर कोई जन्म से किसी ना किसी काम में चैम्पियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी, हर किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। अपने काम पे फोकस इतना रखो कि आप और आपके काम में तीसरा कोई ना आ सके। सुकून इस बात का है कि लोगों से ज़्यादा बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसके मुख्तलिफ मराहिल से जब हम गुज़रते हैं, स्पेशली जब हम मिडल एज को पहुंचते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी हमारे सामने खुलने लगती है, आपको समझ आने लगती है। मज़ेदार बात यह है कि जब आपको समझ आने लगती है तब वो ख़त्म होने वाली होती है। बहुत से बयान सुने, लेकिन इस बार मैंने जो डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान सुना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात कही है
कि अगर हम किसी इंसान या किसी मखलूक को दुख में देखे, तकलीफ़ में देखे, अगर आपका पहला ख्याल ये ना हो और आपकी चाहत ये ना हो कि हम उनकी मदद करें, हम उनकी तकलीफ़ का मदावा कैसे करें, अगर आपको ये बात का अगर ख्याल नहीं आता तो आप कितने भी परहेज़गार हो सकते हैं, कितने भी जाहिद हो सकते हैं, कितने भी आखिल हो सकते हैं, और आप में बहुत खूबियां हैं, लेकिन आप नेक नहीं हो सकते। नेकी का दारोमदार है ना, उसकी बुनियादी शर्त क्या है मालूम? दर्द दिल है। कितनी अहम बात है, ज़रूर याद रखें। बहुत अच्छा लगा, एक बात में सारी बात आ गई। आप परहेज़गार हो सकते हैं, आप जाहिद हो सकते हैं, आप आखिल हो सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, आप नेक भी है, लेकिन आप जब दूसरों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सकते तो ये सब बेकार है आपके लिए। ये पौधों वाला काम है ना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, और मैं किसी को हाथ लगाने नहीं देती, सारी रखवाली मैं करती हूँ, इसकी देखभाल, इसकी मिट्टी बदलना, और जो पौधे डेड हो चुके हैं उनको निकाल कर नए पौधे लगाना, इनका मिट्टी भरना, इनके लिए पानी देना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। वो घर ही क्या जिसमें सारे काम आपके हेल्पर कर ले, आपसे कुछ ना हो पाए, तो वो घर का मज़ा, घर की खुशी कहाँ से मिलती है? अपने हाथों से करें। ख़ानदानी जिसके हाथ होते हैं ना बहुत ही रफ़ टफ होते हैं, जो सारा काम करना जानते हैं, खुशी खुशी हर वो काम को अपने ज़िम्मे लेते हैं, अच्छा लगता है अपने घर का काम करना। अपनी ज़िम्मेदारियां अपन खुद उठाना, ना कि हेल्पर के हवाले कर दो, जाओ तुम हमारा घर संभालो। जैसे फूल अपने वजूद की गवाही अपनी खुशबू से देते हैं, ऐसे ही बंदा मोमिन अपने ईमान की गवाही अपने खूबसूरत अखलाक से देता है। काम लेना चाहिए हेल्पर से, लेकिन ये नहीं कि सारा घर आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाए, बच्चे, हस्बैंड, हम खुद उनके इतने मोहताज हो जाए कि हम अपना निवाला भी ना उठा सके। खुद भी करें, साथ में कराएं, तो फिर मज़ा ही ज़िंदगी का कुछ और है। बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह की ज़िंदगी, जो औरत घर में खुद काम करती है, फिर थोड़ी सी मदद भी ले लेती है, तो 3 से 4 घंटे लग गए पुराने पॉट में से जो मिट्टी निकाली हूँ, नए पॉट में डाली हूँ और कुछ नए पौधे लगाई हूँ, तो अच्छा लग रहा था देखकर, खुशी हो रही थी। बहुत सा चेंजेस किया है, लेकिन उतना भी नहीं, इंशाल्लाह और ज़्यादा मैं डेकोर करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है पौधों। माशाल्लाह से सारे पौधे लग चुके हैं, और जो कचरा था, मिट्टी गिरी हुई थी और थोड़ा इधर से उधर उठा कर रखना था, तो तब तक हमारी हेल्पर भी आ चुकी थी, तो फिर मैंने उनसे करवाया है। साथ साथ सफाई भी हो रही थी, साथ साथ पौधों की भी सेटिंग हो रही थी। सारे पॉट्स एक के बाद एक सेटिंग हो गई और मिट्टी भी चेंज हो गई, नए पौधे भी लग चुके थे। अब बारी थी कटिंग की, कटिंग करना था। जो पुराने पौधे थे उसमें से कुछ पत्ते सूख गए थे और कुछ बहुत ज़्यादा डेड हो चुके थे, तो उन सब की कटिंग करना था। तो फिर इस तरह से फिर मैंने सारा काम होने के बाद कटिंग करने बैठी हूँ। गार्डन भी मेंटेन करना बहुत बड़ा काम होता है। ये तो हमारी बालकनी है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी बालकनी है, जिसमें मैं अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए बैठकर अब एक एक पत्ते को कट करना होता है, जैसे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और जैसे बाल जो हेयर डेड हो जाते हैं उस तरह से। अच्छा, यहाँ और एक बात ये कहना है कि अक्सर लेडीज़ ये कहती है कि मैंने तो अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। देखिए, अगर अल्लाह इंसाफ करने पर आ गया तो वो दोनों का इंसाफ करेगा। तो आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की होगी, ठीक है, सामने वाले की ज़्यादा होगी, आपकी कम होगी, हमारी गलती कम होगी, लेकिन हम भी कौन से परफेक्ट है, ये ज़रूर सोचना चाहिए और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें भी माफ़ करे जो इंसान दूसरे इंसान की अल्लाह से तजवीज़ करता है, या अल्लाह इसको सज़ा दे, असल में वो इंसान अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो गया है, क्योंकि रहमत उसी को कहते हैं।
रहमत वही होती है जो हमारे गलतियों के नतीजे से अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह हमें बचा कर रखे। तो हमें भी अल्लाह से जाकर भी माफ़ी ही मांगनी चाहिए। ये माफ़ी का अमल जब शुरू हो जाएंगे ना, तो कितने घर बच जाएंगे, कितने घर आबाद हो जाएंगे, तो कितने घर जन्नत जैसे बन जाएंगे। तो हमेशा माफ़ करने वाला बने, ना कि सज़ा देने वाला, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, दोनों को भी देख रहा है। हमेशा दुआ करते रहे, दूसरों को भी दुआओं में याद रखते रहे, जो दुआ के लिए कहते हैं। जब दूसरों के लिए दुआ मांगी जाती है तो वो हमारे हक़ में भी दुआ कबूल होती है। जब वो तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है ना, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ब खुद डाल देता है। आज ये डिसाइड करके यहाँ से उठे कि आपको करना क्या है। और ये जो आप अपने आप के पीछे दुश्मन बने हुए हैं ना, अपनी सोच की वजह से, सोच ख़राब कहाँ से होती है? निगेटिविटी से। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि हर अच्छे बुरे गुमान के साथ अल्लाह होता है। अच्छा गुमान करेंगे तो वैसा मिलेगा, गुमान अगर गलत करेंगे तो वैसा ही मिलेगा। जो आपने गलत गुमान कर रखा है, तो अपनी सोच को अच्छी बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। चलिए, आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर लाजमी करिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मनी प्लांट माशाल्लाह से बहुत जल्दी फैलता है, और इस तरह से मैंने मनी प्लांट को अच्छा शेप देने के लिए बीच में ग्रीन कलर का मैंने लकड़ी लगाई है, उस पर ग्रीन कलर का कपड़ा लपटा हुआ है। तो इससे ना बहुत अच्छा लपटे जाती है मनी प्लांट की बेल। थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है बालकनी को, यहाँ पर मैंने देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स से। अब सारा काम ख़त्म हो गया माशाल्लाह से। अब यहाँ मैं पानी डालूँगी सारे प्लांट्स को, यहाँ पर आके मेरा सारा ख़त्म हो गया, एनर्जी भी ख़त्म हो गई, काम भी ख़त्म हो गया। ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हैंगिंग है इसमें मनी प्लांट है, तो वो नीचे की तरफ इसकी बेल गिरती है ना, तो ये खूबसूरत लगता है मुझे, बहुत प्यारा है। और हमने ऑनलाइन वॉलपेपर मंगाया था, 3 रोल मंगाए थे, ऊपर से सारा लग गया, लेकिन नीचे का जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम पड़ गया। और हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से सारा कॉर्नर हम इसी तरह से ग्रीन ग्रीन कर देंगे, तो हमारी बालकनी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और आप सब भी बताइएगा कि मेरी बालकनी कैसी लग रही है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए गुलाब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, पिंक और वाइट रोज़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और इसमें बहुत सारी कलियां भी थी जो खिलने वाली थी। चलिए, दुआ में याद रखिएगा। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।